अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अच्छा, एग्ज़ाम से रिलेटेड ईमेल आई होप सो के आपको रिसीव हुई होगी यूनिवर्सिटी एंड से। डेट शीट नहीं, लेकिन वैसे जो फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड सर, बस ये है कि 27 को इन्फॉर्म किया गया है एग्ज़ाम होगी, यानी किस मंथ के एंड पे? यस सर। जी जी, और ऑलमोस्ट 18th जुलाई तक वो कंटिन्यू रहेंगे, ऑलमोस्ट 2.5 वीक वो बनता है, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते बन जाएंगे। और लैब्स का उसके बाद जो है वो सेशन स्टार्ट होगा, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो ऑनलाइन कंडक्शन का। तो अभी जो सो फॉर मैंने और शुएब साहब ने जो म्यूचुअल डिस्कशन से डिसाइड किए, हमने 60 मार्क्स का आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें 30 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होगा आपका, जो ओपन बुक टाइप है, ठीक है, एग्ज़ाम। और 30 मार्क्स का जो होगा वो आपका वाइवा होगा, ठीक है। सो 60 को जो है वो हाफ वेटेज देगी, दो कैटेगरीज की बेस के ऊपर आप लोगों की असेसमेंट होगी। और जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो सिलेबस जो हमने पढ़ा होगा वो हम सिलेबस डिसाइड करेंगे, और जो वाइवा है उसके लिए भी सेम सिलेबस होगा। एग्ज़ाम के लिए यही है कि जैसे आपके क्विजेज वगैरह होते हैं उस मोड के ऊपर हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में डेफिनेट सी बात है कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर कोई वो प्लेटफॉर्म लेके आते हैं या जो भी फर्दर वो कुछ चीज़ बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन सो फॉर हम क्विजेज वगैरह ये इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि हम जैसे रियल इन्वायरमेंट में, फिज़िकल इन्वायरमेंट में आप एग्ज़ाम देते थे, उसी तरह वर्चुअल इन्वायरमेंट में होगा। और हमारी ख़ास करके DC के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकियों से बेहतर प्रैक्टिस है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो 4 क्विज कंडक्ट कर चुके हैं। इसमें टाइम की जो लिमिट है वो भी एक रीज़नेबल लिमिट होगी, कि जिसको कोई कनेक्टिविटी वगैरह या उस तरह के इश्यूज़ होंगे वो बीच में ऑब्वियसली टैकल हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर इसको टीचिंग यानी कि टीचर या रिसोर्स पर्सन के पॉइंट से शायद इसको कम हैंडल किया जाए, मेजॉरिटी चूँकि जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो नो डाउट के एग्ज़ाम टीचर बनाता है, ये वो सारी चीज़ें टीचर के पास ही आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो OC की भी होगी, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी डेफिनेटली। और जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं प्रीवियसली, वो रूल्स रेगुलेशन उस पर लागू होंगे। कनेक्टिविटी इशू को बीच में एक रीज़नेबल वे में डील किया गया, टाइम लिमिट एक्सटेंशन के हवाले से, कि उसमें टाइम जो है वो एक रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर इवेंचुअली आप होपफुली कर सकते हैं। अगर सडनली किसी को 5-10 मिनट, आधा घंटा, इस तरह की कोई अगर फ्लक्चुएशन भी आती लाइट की तो वो चीज़ कवर अप हो जाएगी। और वाइवा के लिए भी डेफिनेट सी बात है एक सेशन डिसाइड होगा, और जो डेट शीट है वो डिपार्टमेंट डेफिनेट सी बात है OC के साथ मिल के, जैसे पहले आपको डेट शीट्स आती होती थी डिपार्टमेंट की तरफ से, हसन साहब की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको, जब या कंट्रोलर की तरफ से, वो सारी एक ही होती हैं। तो जब वो एग्जामिनेशन की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से जब डेट शीट आएगी वो एक स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा, वो स्लॉट एक डेडिकेटेड स्लॉट होगी, ठीक है। जैसे पहले आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हो और आपके सामने डेट शीट आपको मुहैया की जाती है ईमेल, और इसी तरह वाइवा की जो भी स्लॉट है वो भी होपफुली चीज़ें इन प्रोसेस हैं वो भी फिक्स की जाएगी, और वाइवा और एग्ज़ाम आपका उन्हीं डेट्स के अंदर होगा जो कि डेट्स आपके एग्ज़ाम की डेट्स चल रही होती हैं, और जो आपको एग्ज़ाम्स के 2-2.5 हफ्ते कहे गए हैं उनके अंदर ही फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। जो बिफ़ोर द एग्ज़ाम या जो अभी हमने चीज़ें कंडक्शन की हैं वो सेशनल में काउंट होंगी, और सेशनल जो होंगे वो 40% होंगे, ठीक है, और 60% जो है वो हम फाइनल एग्ज़ाम को लेंगे। तो ये उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, और आई होप सो कि अभी आपके पास स्टिल जो है वो 3-4 वीक हैं
तो आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिपेयर करें। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितनी एफर्ट पुट कर सकता था, मैं जो पढ़ाता रहा हूँ, मैं आपसे क्विज़ लेता रहा हूँ, आपने तैयार किया या नहीं किया या किसी वजह से अगर क्विज़ मिस हुआ या जो भी है, तो वो स्टूडेंट एंड पे इशू है। हमने ऑलमोस्ट एक बड़े स्मूथ वे में जो पढ़ा है उसको, हमने उसका क्विज़ भी रखा है और आप लोगों ने क्विज़ दिया भी और उम्मीद है कि तैयारी से दिया होगा। तो हमारी जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है, बाकी कोर्सेज़ का मुझे नहीं आइडिया, आई होप सो कि उसमें भी आपकी बेहतर पोजीशन होगी। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है कोई रीजनेबल सा तो बता दें आप। जी सर, अब तक क्विज़ में ग्रेड किया आपने एलएमएस पर लास्ट वाला? हाँ, लास्ट वाला क्विज़ अभी फोर्थ जो है वो अभी ग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ एक वाइवा सा अटैच हो गया, तो वो हमेशा थोड़ी रुकावट बनता है ज़हनी तौर पे। लेकिन इंशाल्लाह उसको भी करने की कोशिश करते हैं इस वीक के अंदर अंदर, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा विद इन दिस वीक। आज थर्सडे है तो होपफुली कोशिश करते हैं फ्राइडे और सैटरडे ये एक दो दिन के अंदर अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी जो क्या उसको कहते हैं वैल्यूएशन है, वो फिर भी मैं बाकियों के साथ भी कम्युनिकेशन में हूँ, वो फिर भी काफ़ी बेहतर है। जितनी चीज़ें मैंने अभी स्टिल तीन जो थी वो चेक कर दी हैं, चेकिंग में शायद काम इतना नहीं है अभी तेज़, लेकिन फिर भी स्टिल हमारी जो चेकिंग है वो ठीक है। एनी हो, इसके जब मार्क्स लग जाएंगे तो फिर डेफिनेट सी बात आपके पास चारों जो क्विजेज हैं उनके मार्क्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक क्विज मेरा मिस हुआ है, तो उसका अगर कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है, कोई रीटेक का अगर कोई ऐसी होता। वो उसने पहले बात की हुई थी, मैंने उसको बताया था कि जिस रीज़न की बेस पे मिस हुआ उस पर मैंने कमेंट किया था, उसको कर लेते हैं। तो जो पहला उसने क्वेश्चन किया उसके साथ वो दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता है, ये आप जो मैदान में उतरे हैं इसकी खास वजह। उसके माइक का इशू है, उसने क्वेश्चन किया, आपको आवाज़ नहीं आई, मुझे आवाज़ आई थी इसलिए मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। अच्छा अच्छा, आपको उसने मैसेज किया है? सर ने उसने इसी पे क्वेश्चन किया, आपको आवाज नहीं है सर। अच्छा, वो उसकी माइक का वो उसके माइक का इशू है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ना वो हल्की आवाज में ईमान को आ जाती है, इसमें शायद एयरफोन्स लगाए होते हैं, तो ये मैडम या सर वगैरह से पूछना था, तो इसलिए इस तरह का इशू सर। वो उसकी सेंसिटिविटी में पड़ा क्विज की थी, शायद कोई डेथ का कोई सिनेरियो था, कोई जनाजा वगैरह का, तो उसको देख उसको देख लेंगे। इसलिए मैंने असेसमेंट भी बहुत पहले ही चेक कर ली है ना। ठीक है, मोस्टली जो मेरी असेसमेंट्स हैं वो भी बहुत पहले चेक हैं, ये एक शिफ्ट लगनी है एक छोटी सी, इसीलिए मैंने असेसमेंट एक रीजनेबल टाइम पे ले ली है, एक रीजनेबल टाइम पे चेक कर ली है, तो इसीलिए मुझे कोई ख़ास उस पर कोई इशू नहीं है। मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह जो भी इश्यूज होंगे वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। सर लास्ट क्विज चेक हुआ सर अभी तक? अगर जाती भी तो स्टिल वी हैव अ 1 मंथ, और अगर 1 मंथ नहीं भी तो एप्रोक्सीमेटली 25 डेज हैं हमारे पास, तो इसमें इंशाल्लाह सर ये क्विज 3 की वैल्यूएशन किस जगह पे हुई है? क्विज 3 की एलएमएस के ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी में कितने क्विज दिए थे? एक या दो? सर एक ही मेरा ख्याल दिया था। हाँ, एक यूनिवर्सिटी पे दिया था, मैंने एक्सेल शीट लगाई हुई है। यस सर, मैंने एक्सेल शीट जो पहला क्विज था जो यूनिवर्सिटी में हुआ था उसकी एक्सेल शीट लगाई हुई है, और 1-2 की है शायद, और yes, एक sir, जो yes. शायद LMS पे हुआ उसको वहाँ पे ग्रेड किया हो। तो बस एक लास्ट जो क्विज नंबर 4 है उसकी वहाँ पे ग्रेडिंग नहीं है,
और यूनिवर्सिटी से फिर जो भी हमें स्केड्यूल जिस तरह मिलेगा, मतलब चीज़ों को कंटिन्यू करने का, अभी 12-13 तारीख तक यानी कि मिड ऑफ दिस मंथ तक वैसे हमारा स्केड्यूल जो है वो रूटीन वाइज वैसे ही है जैसे एकेडमिक कैलेंडर में होता है, तो मिड ऑफ दिस मंथ तक वैसी चीज़ें हैं, बाकी जो यानी कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, ये लैब्स का किस तरह होगा, मतलब कोई आपको आइडिया हो, मतलब जो जैसे हम पहले प्रोजेक्ट बनाते थे टर्म लैब से रिलेटेड इक्विपमेंट, लैब से रिलेटेड दोबारा कमेंट कीजिएगा टर्म प्रोजेक्ट क्या करें। सर वो मैं पूछ रहा था कि जिस तरह पहले नॉर्मल डेज के अंदर इवैल्यूएशन होती है टर्म प्रोजेक्ट टर्म प्रोजेक्ट की और वाइवा होता है और थोड़ा बहुत आपका सेशनल, वो सारा किस तरह कवर करेंगे, थ्योरी के अंदर बात करें सर लैब के अंदर जो लैब के अंदर जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अभी चीज़ें डिस्कशन में हैं, और लैब का जो वीक है वो थ्योरी के बाद वाला वीक है, लैब पे अभी खुल के उतना नहीं हतमी डिसीजन, अभी चीज़ें इन प्रोसेस है क्योंकि ये थ्योरी के बाद इसका वीक था। यस सर, प्रायोरिटी इसकी सेकंड प्रायोरिटी चली गई है, ठीक है, पहली प्रायोरिटी थ्योरी की थी तो थ्योरी की चीज़ें कुछ हमने स्ट्रीमलाइन की हैं, और नो डाउट कि वो तो खैर मैं आपको काफ़ी पहले बता रहा हूँ कि भाई ये माइंडसेट है हमारा, लेट्स सी देखते हैं कि चीज़ें कैसे फाइनलाइज होती हैं, फिर जो फाइनल वर्जन होगा उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये तो वैसे ही एक मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करने के लिए मैंने थोड़ा अर्ली यानी कि आपको एक तरह का नोटिफाई कर दिया, तो अगर इसमें कोई चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है तो फिर हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमें HEC PEC और यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट तीन चार जगह की जो चीज़ें हैं उनको मिला के फिर कोई चीज़ सामने लेके आनी होती है, यानी कि थोड़ा प्रोसेस जो है वो लॉन्ग, थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है क्योंकि हमारी गवर्निंग बॉडी PEC, हमने उससे एक्रीडेशन लेनी होती है, यूनिवर्सिटी का HEC से भी ताल्लुक है, PEC से भी ताल्लुक है, और विद इन द यूनिवर्सिटी भी फिर एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है यूनिवर्सिटी, एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, सो डेफिनेट सी बात है फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और फिर विद इन द सेन या विद इन द डिपार्टमेंट जो हमारी पॉलिसीज होती हैं उन सारों को देख के फिर ही कोई चीज़ सामने आती है, तो टेक्स टाइम, और HEC ने हमें या ओवरऑल HEC भी खैर ट्रबल में थी तो अभी उनकी पॉलिसी भी आफ्टर द ईद आई है, तो चीज़ें उस पर चल रही हैं। इन वेरी शॉर्ट वे इन समरी ये है कि इंशाल्लाह इस वीक में लैब से रिलेटेड भी कोई हतमी चीज़ सामने आ जाएगी, अभी तक यही लैब का भी है कि वो ऑनलाइन आपकी एवेल्यूएशन होगी, उसमें भी उसी तरह वाइवा वगैरह और बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो तो अगर गूगल ड्राइव पे या कोई शीट बनाई जाए तो वहाँ पे सब की सबमिशन हो सकती है, यानी उसको अगर मैं लैब वाइज फोल्डर बना देता हूँ, किसी ने रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे लिखनी है तो वो वर्ड के डॉक्यूमेंट पे रिपोर्ट लिख के वहाँ पे दे सकते हैं, वाइवा भी हो सकते हैं। हाँ, जो एवेल्यूएशन के सेशंस हैं वो चूँकि किसी टीचर ने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कह दिया होगा या आप लोगों ने पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा या उन्होंने अपने कंप्यूटर पे आपको वीडियोस वगैरह दिखा दी होंगी, तो वो तो फिर एक जेन्युइन इशू है, वो तो साफ ज़ाहिर है फिर इसी तरह ना आपके घर में लेबॉरेटरी उस तरह से अवेलेबल है, तो फिर सिमुलेशन बेस्ड जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसी तरह, और इसमें यह भी खैर पहले जून में ओपनिंग थी इंस्टीट्यूट की तो उसमें बड़ी वैलिड चीज़ें थी कि हमारा ईद के बाद का सेशन यूनिवर्सिटी में हो जाने थे और हमारी लैब्स की कंडक्शन और थ्योरी का जो कुछ फाइनलाइज करना था वो चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चला गया, तो उसके अंदर नहीं स्टिल वो कोई उस तरह की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि 15 को ओपनिंग है, हमेशा से ये होता है कि जो आपने डेट दी होती है उसके करीब जाके आप फिर से एक दफ़ा मीटिंग करते हैं और उन कंडीशंस का देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, फिर उनके अकॉर्डिंगली फैसले में कमी बेशी होती है, जैसे पहले जून का कहा गया था और जून से भी पहले लग रहा था कि एक महीने डेट का, फिर जब जून के करीब ओपनिंग होनी थी तो जून से पहले डिसीजन आ गया कि नहीं ओपन कर रहे और 15 जुलाई तक चला गया, तो चूँकि कोई भी क्लियर नहीं है, नॉट इवन कोई अदारा कोई सिटी या कोई कंट्री की बात नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में ये चीज़ है नहीं हो,
सो हमें उसके साथ फिर जो भी पॉसिबल टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये खैर ना तो खुशी से आपने कोई इस पर फैसला लिया है, ना कोई फैकल्टी एंड से, ना यूनिवर्सिटी एंड से, तो सारे मजबूरी के तौर पे जो चीज़ें हैं वो इन हालात में जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने। बस ये कि आपका चूँकि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था सबका, तो एटलीस्ट ये है कि वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। लैब्स के हवाले से लेबॉर्ट्री वर्क में नो डाउट चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग रही हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन थेरी का उतना इशू नहीं था जितना के लैब्स का होता है। तो नो डाउट लैब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वैलिड हैं, लेकिन स्टिल ये अब सबके साथ ही हम चल रहे हैं और सबके साथ ही हमें चल रहे हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन वगैरह? तो ये जो मैंने आपको वैसे वाइवा का और एग्ज़ाम का बताया, तो ये इसको दो कैटेगरीज में जो है ना वो हमने डिवाइड किया। स्टिल इसके अंदर अगर कोई फर्दर चेंज आती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो सिलेबस आपने हेलो मैं ये बात कर रहा था कि जो सिलेबस आपका थ्योरी के लिए वही सिलेबस आपका वाइवा के लिए होगा, और आपको कोई इसमें और एक अच्छी चीज़ है कि मैं ये नहीं कि एडीसी में मैं आपको ये शेर साहब हम कोई अजाफी कोई चीज़ नहीं दे रहे, जो हमारा सिलेबस था हम उसके अंदर ही रहते हुए एवेल्यूएट करें। नो डाउट कि हमारे मोड्स डिफरेंट है, वाइवा है, एग्ज़ाम है, क्विजेस थे, सेम सिलेबस है, सेम ही चीज़ है, यानी कि नॉट इवन अ सिंगल परसेंट कोई भी चीज़ इजाफी नहीं दी गई या कोई असाइनमेंट या उस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये बल्कि एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि आपको इस इन्वायरमेंट में भी, वर्चुअल इन्वायरमेंट में भी रहते हुए कोई इजाफी किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं डाला गया। यही यूनिवर्सिटी में होते यही कुछ उतर हमने करना, यही मैं क्विजेज लेता हूँ, आपने कोई कोर्सेज पढ़े हुए पता भी आपको, तो इसी सेम वे में होना था, कोई भी चीज़ उसकी एज सच कोई चेंज नहीं हुई कि घर बैठे हैं तो इनसे असाइनमेंट मंगवा लूँ या इनसे कोई ऐसी कोई टैक्टिक्स नहीं यूज़ की कि जिससे तू मेरा काम आसान कर लूँ या इन पर कोई बर्डन डाल दूँ। तो वो भी मेरे ख्याल से कोर्स के हवाले से आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आई होप सो कि आप एक बेटर वे में अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एक अच्छे वे में एक अच्छा ग्रेड उम्मीद है कि आप लोग अपने लिए लेंगे एक अच्छा ग्रेड। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, बस आपकी दुआ चाहिए सर। दुआ तो जितना ही होती है लेकिन ग्रेड इंफ्रादी होता है। नहीं सर, वो तो आपकी दुआ होगी ना तो फिर अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। दुआ तो मेरी शुरू से ही है, लेकिन वो अब आप इंशाल्लाह थोड़ा प्रिपरेशन पे भी करें फोकस, क्योंकि इस मंथ में प्रिपरेशन अपनी को मुकम्मल कर ले, और जब फिर एग्ज़ाम का वीक हो गए एक दो वीक्स, तो उसके अंदर आप रिविजन्स के प्रोसेस से गुजरें, ठीक है, तो उससे ही बेहतर ग्रेड की तो है कि अगर अभी आप प्रिपेयर कर लेते हैं और एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी अगर ये अप्रोच रखते हैं तो। सर ये पेपर और वाइवा एक ही दिन होगा? ये डिपेंड करता है, देखें ये अभी डेट शीट सारी चीज़ें सेट होनी है, ठीक है, तो कोई टाइमिंग का या उस तरह से इंशाल्लाह कोई क्लैश या उस तरह से कोई बदनज़मी उम्मीद है किसी किस्म की नहीं होगी, लेकिन अभी ये मैंने आपको बताया ना कि अभी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, पूरी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है, अब एक बल्कि डबल टाइम निकालना है, ठीक है, एग्ज़ाम का भी वाइवा का भी, और फिर वो सारी चीज़ें फ्लोट करनी है, तो अभी मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं, ठीक है, ये तो अभी हमने जेन बनाया ना, इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट, तो वो अभी आपको पूरा बताएंगे इंशाल्लाह प्लान जो है ना, ठीक है, पूरी जैसे डेट शीट आती है जैसे टाइम होता है वो फुली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं है आप एग्जाम मतलब एक वक्त पे तो एक ही चीज़ करें एग्जाम। सर मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ऑनलाइन सिस्टम के एग्जाम से सीईपी बेहतर नहीं थी?
सर मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम से सीईपी जो होती है वो बेहतर नहीं थी हमारे लिए, कि रिसर्च भी हो जानी थी और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जानी थी। नहीं, सीईपी जो है ना, सीईपी इस तरह से नहीं होती, वो हमने पहले से डिसाइड किए हुए कुछ कोर्सेज के जो कि सीईपी की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। जैसे मैं कंट्रोल सिस्टम करवा रहा हूँ तो कंट्रोल में हमने सीईपी दी हुई है, ठीक है, तो वो हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया होता है, उस पर स्टूडेंट काम करते हैं, ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर वो उस पर काम करते हैं, और फिर हम 13th वीक में या नियर एंड ऑफ द सेमेस्टर वो सीईपी जो है वो उनसे, मतलब वो हमें सबमिट करवाते हैं, तो वो एक बड़ा एक डेडिकेटेड काम होता है। तो वो अभी से यानी कि अब देना वो कोई हम उसको मुनासिब नहीं समझते, तो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, हम पहले जो कोर्स आउटलाइन डिसाइड करते हैं। शायद आपने कमेंट सुना, कभी मैंने आपसे कमेंट शेयर किया कि कोर्स आउटलाइन बड़ा देखभाल के साथ बनाई जाती है और अक्सर टीचर्स वगैरह ने अपलोड भी की होती, तो वो उसको सामने रख के फिर हमने एक सारा काम करना। तो बिफोर द सेमेस्टर हम चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या सी एल ओज हैं, क्या पी एल ओज हैं, क्या क्या इसकी मैपिंग है, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें बड़ी प्री डिफाइंड होती हैं और उसमें एक रीज़नेबल टाइम चाहिए होता है। और वो अभी मैं जैसे कंट्रोल का जिक्र किया था, तो वो इस महीने की 15 तारीख को डेड लाइन उनको दी है, वैसे तो 13th वीक था, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया, तो वो जल्दी में जो है ना वो ये सी पी नहीं होती है। जी। सर वो आपने शायद बता दी ऑल इट, वो जो 30% मार्क्स होने हैं जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, तो सर वो मैंने क्लास सेशन में थोड़ा लेट आया हूँ 5-10 मिनट, सर वो जरा दोबारा बता दीजिएगा कि वो जो 30 मार्क्स होने हैं सर वो उसका क्या। वो कोर्स टू कोर्स वो वेरी करेगा, टीचर बेस्ट डिसाइड करेगा अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली, बाकी टीचर्स के मशवरे के साथ के जो कि पढ़ा रहे हैं। तो EDC में हमने ये डिसाइड किया कि 30 नंबर का वाइवा होगा, 30 मार्क्स का वाइवा और 30 मार्क्स का एग्जाम है। यस ठीक है, 30 मार्क्स का वाइवा और 30 मार्क्स का एग्जाम है। तो फिलहाल ये हमारा डिसीजन है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी स्लॉट्स वगैरह होंगी वो फुल फ्लैज ओवरऑल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रॉपर ईमेल आएगी, जैसे पहले ईमेल आती होती है डेट शीट्स की और कंट्रोलर की तरफ से और सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें अभी तो खैर एक रीजनेबल डेट के बाद जाके आनी ना, 27-28 के करीब जाके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी 20-25 दिन हैं पूरे उसमें, तो उसमें यही फाइनलाइजेशन है चीज़ों की। हमेशा पहले भी जब आपको ईमेल आती है तो शायद आपकी अगर गौर से या आपकी नज़र से कुछ चीज़ गुजरी हो तो उसके नीचे अक्सर मेंशन होता है कि अगर किसी को कोई मसले मसाइल है तो इतनी तारीख तक कि इस तरह बता दें, तो वो इंशाल्लाह उसी तरह ही स्मूथ करने की चीज़ों को कोशिश की जाएगी। अगेन वही बात है कि एक कोशिश एक होती है और होपफुली उसको चीज़ों को इंशाल्लाह मैनेज किया जाएगा, उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो वो हमेशा से जब भी सर्कुलेशन होती है उसकी कोई ना कोई आपको डेट दी होती है कि जो आपकी रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं, वो बेसिकली इसीलिए होती है क्योंकि अब ये इनका जो डेट शीट बननी है इनकी तो अपने बैच के अकॉर्डिंगली बननी है ना, तो इनको तो होपफुली कोई इशू नहीं होता रेगुलर स्टूडेंट्स को, तो वो हमेशा अगर कोई सीनियर बीच में है तो उसका सम टाइम जब वो क्लैश आ सकता है तो उसके लिए भी बीच में इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया होता है कि आप कम्युनिकेशन कर ले तो वो होपफुली वो मसला भी हल हो जाएगा। यस हाँ, तो अगेन मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये एक यानी कि अभी एक पॉसिबल वे है, ठीक है, जो कि एवेल्युएशन का जो कि हमारी नज़र में है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे अगर कोई चीज़ होगी तो वो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे।
और इसमें एक और भी चीज़ है कि बाकी अब तो खैर मार्केट्स भी ओपन है, तो जो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो कोई चीज़ें इंटरनेट की सेंस में या मोबाइल की सेंस में या कंप्यूटर्स की सेंस में जो चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं या जो भी चीज़ें जो आपको बेहतर हैं, वो डेफिनेट सी बात है उनका ताल्लुक आपके ग्रेड्स के साथ भी, आपकी मार्किंग के साथ भी है। तो कोशिश करें कि वेल इक्विप्ड हों आप, आपके पास चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं वो सारी मुकम्मल हों, क्योंकि अभी तक आपको एक प्लान का अब तक आके पता चल चुका है कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, किसी को लाइट वगैरह का ये इस तरह के इशू हैं तो एज अ फ्रेंड एक एज अ टीचर एक यानी कि एक बेस्ट सजेशन है कि आप जैसे पावर बैंक्स वगैरह होते हैं ये इस तरह की चीज़ें एक पॉजिटिव वे में ली जा सकती हैं। ठीक है, अगर तो हमने कोई अपने आप को ख़राब ही करना है, कोई एक्सक्यूज़ ही देना है तो वो तो हज़ारों हैं, वो तो आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन की तरफ आओ लोगों ने जाना है या अपने आप को बेहतर कंडीशन में रखना, तो फिर अगर सेल फोन्स वगैरह हैं या इस तरह की चीज़ है तो एटलीस्ट पावर बैंक या इस तरह की चीज़ कोई नहीं की जा सकती, और अगर लैपटॉप वगैरह भी है तो उसको भी अगर अच्छा चार्ज किया तो वो भी 3-4 घंटे निकाल जाता। हाँ, डेस्कटॉप या इस तरह की चीज़ें या अगर UPS या वो अवेलेबल नहीं हो तो साफ ज़रा एक लंबी एक स्कीम है, लेकिन एनी हो मोबाइल के प्रोस्पेक्टिव से या ईवो या इस तरह के प्रोस्पेक्टिव से जो पावर बैंक्स हैं ये इस तरह की चीज़ें वो होपफुली काफ़ी हेल्प आउट आप लोगों को कर जाएंगे। ठीक है, बजाय के बाद में कहते रहना ये इस तरह से, तो बेहतर है कि वक्त के साथ साथ आप अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर लें। ठीक है, क्योंकि अब आप हॉस्टल में नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, फूड ट्रैवलिंग उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको बेहतर अंदाज में कर लें। अच्छा, ज़रा एक दो मिनट की ब्रेक लेता हूँ मैं, फिर मैं कोर्स को जो है कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइम जो मैं एक दो टॉपिक्स का जिक्र कर रहा था वी मॉस का और सी मॉस का, आप लोगों के साथ अच्छा ये जो दोनों टॉपिक हैं वो बुक के अंदर इनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कमर्शियल पर्पज़ से
इनको जरा डिस्कस किया गया एप्लीकेशन वाइज या रेटिंग वाइज, तो वो हम भी उसी तरह उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं बुक ओपन करता हूँ। जो हमारे पास ऑर्डिनरी हमारे पास मॉस्फिट्स थे या बीजेटीज थे, खैर अभी करंटली हमने मॉस्फिट का जो है वो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो जो नॉर्मल सिनेरियो में आपके पास प्लेनर मॉस्फिट होते हैं, जो जिसमें आपके पास इन्हेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन और उनके अंदर फर्दर डिप्लीशन इन्हेंसमेंट मोड आपने पढ़े थे, तो उनकी जो करंट की रेटिंग है और जो पावर की रेटिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो टिपिकली जो है वो लेस देन 1 वाट, और अगर करंट की भी बात करें तो वो भी काफ़ी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं कम होती। तो अभी ये जो वी मॉस है या सी मॉस है, इसके अंदर हम देखेंगे कि उसी मॉस्फेट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, वी मॉस के अंदर तो ये भी आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसके अंदर जो गेट बना वो वी शेप है, जैसे वर्टिकल शेप है, वी शेप के अंदर बना हुआ। तो अभी इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से ये वर्टिकल जो कंस्ट्रक्शन है, ये वर्टिकल जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी वजह से हमने इसका नाम वी मॉस रखा हुआ, या ये जो गेट का स्ट्रक्चर है यू टाइप का हमें नज़र आ रहा है, तो हमने उसका नाम वी मॉस रखा हुआ। सर वीडियो शेयरिंग नहीं हो रही सर। अच्छा, स्लाइड की शेयरिंग। अच्छा अच्छा, ठीक सर। मैंने कहा शायद मुझे नहीं आ रही, फिर मैंने मैसेज करके पूछा तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये जो बात कर रहा था, दोबारा से आवाज़ ले लेते हैं। ये मॉस्फेट हमने पहले पढ़े, तो उसी मॉस्फेट के अंदर बहुत एक माइनर सी चेंज की, उसका नाम रखा है वी मॉस या यू मॉस। तो वी जो नाम बेसिकली है वो गेट को, अगर आप देखें ये गेट को, तो उसकी जो शेप बन रही है वो वी टाइप शेप है। ठीक है, तो उस वजह से उसका उसके साथ जो मॉस के साथ नाम है मॉस्फेट के साथ वो वी आ गया। या अगर इसको आप देखें तो इसके साथ जो नेम है वो यू आ गया, जैसे उसकी गेट की शेप बन रही थी। या इनके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं, या जो पहले आते साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो प्रीवियस मॉस्फेट्स आपने पढ़े हैं जो कि प्लेनर टाइप के, इनकी पावर जो हैंडलिंग है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे मेंशन है कि लेस देन 1 वाट, और इसी तरह जो करंट के लेवल्स हैं वो भी कम है। ठीक है, जैसे आप मिली माइक्रोज में डील कर रहे हो, तो अगर आपको करंट की वैल्यू थोड़ी अप चाहिए तो आप बेसिकली एम्पेयर्स में चल रहे होते हैं। अभी इस लेक्चर के थोड़ा सा आगे आपके पास रेटिंग्स आएंगी, रीडिंग्स आएंगी, आप एग्जैक्ट देखेंगे अभी कि अच्छा कहाँ से लेके कहाँ तक ये वर्किंग कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो इश्यूज थे कि पावर की रेटिंग कम है, करंट का जो लेवल्स हैं वो कम है, तो ये वी और यू के अंदर हमें जो पावर रेटिंग है और जो करंट का लेवल है वो बेहतर मिलेगा। अब उसके बेहतर मिलने की एक जो वजह है वो ये भी है कि अगर हम इसको देखें, ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है इसकी, कि इसके अंदर ये सोर्स है और ये भी सोर्स का पॉइंट है, और ये जो गेट है, ये सोर्स और गेट आपस में खैर कनेक्टेड नहीं है, ये जम्पर लगा हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो। और नीचे आपके पास ड्रेन के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ है वो अगर आप देखें तो एक तो यहाँ से आपको करंट आता हुआ नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, यानी कि वी शेप जो बनती है वो वी के दोनों किनारों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये जो बेसिकली डबल वे बन रहा है, ये जो करंट को डबल पाथ मिल रहा है, और वी शेप के अगेंस्ट जो करंट के दो रास्ते हैं, जो दो चैनल्स इंड्यूस हुए, उसकी वजह से जो करंट की रेटिंग है वो हमें ज़्यादा मिलती है, यानी कि जो एक हमने इशू बताया था। और है उसी तरह की चीज़, उसी तरह ही आप जैसे आपने पहले पढ़ा है कि वी जी एस होता है,
VGS माइनस में आप डील कर रहे होते हैं, VGS आप ज़ीरो पे भी डील कर रहे होते हैं, फिर VGS आप ज़ीरो से बढ़ा भी देते हैं, ज़ीरो से जब बढ़ा देते हैं VGS तो आप इन्हेंसमेंट मोड में जा रहे थे, VGS को ज़ीरो से कम कर देते हैं तो आप जो है वो एन चैनल के अंदर आप डिप्लीशन मोड में चल रहे होते हैं। तो ये फिनोमेना हमारा उसी तरह। और फिर इसमें होता क्या है कि जब आप गेट को पॉजिटिव कनेक्शन देते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि VGS के अंदर या गेट इज़ मोर पॉजिटिव, तो होता क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेट के साथ साथ अपनी एक लेयर बना लेते हैं, क्योंकि अगर गेट मिसाल के तौर पर पॉजिटिव है और एन मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेट के साथ आके लग जाते हैं, लेकिन गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, गेट के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, रिकम्बाइन नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो वाइट से कलर की आप डॉटेड सी लाइन देख रहे हैं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है जो कि एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रही होती है, वो इनको अलहदा रखती है, ये साथ में जुड़े हुए नज़र आते हैं, एक पाथ बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं, लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो सकता पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो वी शेप है उसके दोनों तरफ आपको चैनल जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आके इन्होंने उसी तरह जो इनकी एकोमोलेशन है वो उसी तरह ड्रेन के ऊपर आपके पास होनी है। अब इसमें एक जो थोड़ी सी एक डिफरेंट जो चीज़ है, इसके अंदर एक पी मटेरियल भी इन्वॉल्व किया गया, ये आप देख रहे हैं ये बीच में पी मटेरियल है। इसकी जो लेंथ है, ये जो आपको नज़र आ रही लेंथ इसकी, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ द चैनल है उस पर अगर आप गौर करें तो ये पी की जो है वो वर्टिकल चीज़ है, यानी कि पी की ऊंचाई आप कह लें, ये पी पी जो मटेरियल है उसकी आप हाइट कह लें। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो ये लेंथ ऑफ चैनल इंक्रीज्ड है, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूँ, इसको आप लेंथ ऑफ चैनल कह रहे हैं, क्योंकि इसने यहाँ से बीच में आपको पाथ मिला हुआ, ये अगर आप देख रहे हो तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने ड्रेन पर आना है, ठीक है। और ये जो पाथ है, ये वाली जो चीज़ है उसको आप चैनल की विथ कह रहे हैं, ये कम ज़्यादा भी होगी, ये वाली जो चीज़ है कि जितनी इसकी विथ कम है या जितनी ज़्यादा है, और इस चीज़ को जो है वो आप लेंथ कह रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है। तो सर्किट के दोनों तरफ, ये वी शेप के दोनों तरफ आपके पास करंट का पाथ मौजूद है, जिसकी वजह से वैल्यू आपको ज़्यादा मिली। और ये जो वी शेप बन रही है गेट की और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं उस वजह से इसको आप वी मॉस का नाम दे रहे हैं। और इसी शेप में उसी तरह की जो चीज़ है वो यू शेप के अंदर है, उसको आप यू मॉस का जो है नाम दे रहे हैं। अब यही जो मैं बातें आपसे कर रहा था वो यहाँ पे मेंशन है सारी, कि जब आप पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन का और नेगेटिव वोल्टेज सोर्स के ऊपर दे रहे हैं और गेट को आपने ज़ीरो पे रखा हुआ है इसको ऑन करने के लिए। एक और भी चीज़ है, जब ये ऑन कंडीशन में होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो और मिनिमम होगी, जब ऑफ कंडीशन में होगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो जो कि 1 वाट तक था वो इस कम्बिनेशन के बेस के ऊपर या कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के ऊपर, अच्छा इसके अंदर जो वर्किंग है वो वही इन्वॉल्व होगी जो कि पहले मॉसफेट में होती रही है, यानी कि अगर आपको देखना हो कि गेट के साथ करंट किस तरह फ्लो करता है, चैनल किस तरह बनते हैं, इंड्यूस चैनल कैसे बनता है, तो उसके लिए वही कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए। तो इसके अंदर हमारे पास, मैंने पहले कहा कि इस टॉपिक के अंदर इसका थोड़ा सा लिंक जो है वो एप्लीकेशन की तरफ है। तो आपके पास ड्रेन जो करंट है कैन रीच द एम्पेयर्स लेवल। अच्छा एक और चीज़ होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसके अंदर एम्पेयर्स के अंदर जो रीडिंग होती है वो एक ठीक ठाक अच्छी रीडिंग कंसिडर की जाती है, क्योंकि 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर आपने भी देखा होगा जो डिवाइसेज लेती हैं उनका ठीक ठाक लोड होता है। अमूमन जो बहुत ये छोटे लेवल पर जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये माइक्रोज मिलीज के अंदर इनकी रेटिंग्स वगैरह होती हैं।
और ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के अंदर आपने इसको यूज़ करना है, जो सर्किट्स बनते हैं, जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आपके पास बनते हैं, जो आईसीज हैं, जो बोर्ड्स हैं, कंप्यूटर चिप्स हैं, ठीक है, ये उनके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही होती, और वहाँ पे अमूमन आपको कम रेटिंग ही चाहिए होती। जहाँ पर ज़्यादा चाहिए होगी, नहीं बेहतर रेटिंग बन रही, वहाँ पर आप वी मॉस या सी मॉस को बीच में इन्वॉल्व कर लेते। ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बताई हुई है, पावर स्विचिंग के अंदर टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ पावर सप्लाईज, लो वोल्टेज की जो मोटर्स हैं, मोटर्स की तो अमूमन काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स होती है, खैर जो फर्दर एसीज में या थ्री फेज में होती है, मशीन के कोर्स में आप इसको करेंगे स्टडी, या कंट्रोलर्स हैं आपके पास, या डी सी टू डी सी कन्वर्टर्स हैं, पैनल्स वगैरह हैं उनकी स्विचिंग के लिए। और यहाँ पे अ गुड पावर स्विच की भी आपको बताया हुआ कि उसके वोल्टेज लो होते हैं, लेस देन 200, और आपको हाई स्पीड चाहिए होती है स्विचिंग के अंदर, वो बीजेटीज की नस्बत मॉसफेट की बेहतर होती है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तोशीबा का उसने यू मॉस या वी मॉस के करंट की रेटिंग्स आपको बताई हुई हैं कि 11 एम्पेयर टू 45 एम्पेयर, और जो थोड़ा बहुत करंट्स की वैल्यूज़ का या डिवाइसेस को समझते हैं उनको आइडिया होगा कि ये एक बहुत हाई किस्म की करंट की रेटिंग्स हैं जिनको यहाँ पर डील किया जा रहा है, ठीक है। अभी आपने बीजेटीज के अंदर या वैसे अमूमन जो करंट्स के ग्राफ देखे हैं वो आपको पता होगा कि वो माइक्रोज मिलीज इस तरह की वैल्यूज होती है, अगर स्पेसिफिकेशन शीट्स भी देखें तो उस तरह की, तो ये एक बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे चीज़ें। और इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंसेस देखें तो वो रेजिस्टेंस उसकी जो ऑन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, वो मिली ओम्स के अंदर, ठीक है, बहुत जो कम है वो आपके पास वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वगैरह जो होते हैं उसकी 30 वोल्ट तक है, अब जो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो अभी मैं कंप्यूटर्स या चिप्स की बात कर रहा था, पैनल्स जो होते हैं आपके पास टीवीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, डेस्कटॉप्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर्स वगैरह या मोबाइल फ़ोन्स, या इसके अंदर आपको पता है अक्सर आपने एक बड़ा कॉमन सा एक नाम सुना होगा इसका, आईसी जल गया, ठीक है, आप जाते हैं वहाँ पे आईसी उसको डलवाने, या लेट्स से टाइमर है कोई, आपने टाइमर के लिए शायद को आईसी एक यूज़ किया होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो एक बड़ा 555 जैसे टाइम, ठीक है, तो वो बेसिकली ये जो चिप्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपने अक्सर देखा होगा, इसके ऊपर आपको डायोड्स भी बहुत दफ़ा मिलेंगे, कैपेसिटर्स मिलेंगे, कई इंडक्टर लगा होगा, कई स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, ये तो आगे ट्रांजिस्टर की एक पूरी एक फील्ड है कि ये बीजेटी है या जीएफईटीज हैं या मॉसफेट्स हैं या सी मॉस हैं या वी मॉस हैं। अभी आपने वी यू देखा है, अभी हम आगे सी मॉस का पढ़ेंगे, जिसका बेसिकली नाम होता है कि कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, यानी कि कम्प्लीमेंट्री मॉस, और कम्प्लीमेंट्री का मतलब भी बेसिकली ये होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा चीज़ों की खसूसियात को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से जो काम एक मॉसफेट नहीं कर रहा वो अगर आप ऐसा कोई बना लेते हैं कि दो को मिला के कोई बना देते हैं कोई चीज़, वो और आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली पर्पस डिज़ाइंड आपने चीज़ें बनाई होती, तो ये इन चिप्स के अंदर खैर चीज़ें यूज़ होती हैं, स्विचिंग कब किसको पाथ देना है, कब कहाँ से सिग्नल लेके आना, आपने अक्सर है ना कि आप सिस्टम्स के अंदर या कोई जो क्लिक कर रहे होते सॉफ्टवेयर जो आप काम कर रहे होते हैं वो कभी हार्ड से डेटा उठा रहा है, कभी रीड कर रहा है, कभी राइट कर रहा है, कभी कौन सी चीज़ आ रही है, कभी किसी चीज़ को एक्सेस किया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बड़ा आपस में एक गहरा लिंक है, स्विचिंग कहीं हो रही है कहीं एम्पलीफिकेशन हो रही है, या डीएलडी के जो लॉजिक गेट्स हैं, और आपने डीएलडी के अंदर शायद थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में गए हो तो ये रैम रोम का शायद आपने थोड़ा टच इसका पढ़ा हो, पढ़ा था मेमोरी का थोड़ा बहुत पड़ा था, ये रैम वाला सिस्टम थोड़ा बहुत, तो
ये जो उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स थे वो गेट्स के बाद तो ये अब मेमरीज जो हैं या रैम या रोम या जो भी पढ़ रहे हैं ये आपके पास जे है या डी है या ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनसे मिलके बनी और फ्लिप फ्लॉप पहले गेट तक बने हैं तो आ जाके बाद फिर वो सिस्टम्स की तरफ जा रही कंप्यूटर्स की तरफ जा रही है मेमरीज की तरफ जा रही है ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखें तो ये भी हाई लेवल पे उधर ही जा रही बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो छोटे लेवल पर सर्किट्स वगैरह इनको मिला के फिर डेफिनेट सी बात है आपने प्रैक्टिकली कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ देखनी है तो वो जो लैचेस वगैरह या जो भी आपने पढ़े थे वो आप देख रहे थे कि अगर एक चीज़ स्टोर करनी है तो वही बैक एंड पे उन पे लगे हुए थे ठीक है सारी yes, चीज़ें उसी तरह की थी तो जो अब जो नॉर्मल मॉस्फेट्स होते हैं वो खैर उनकी कैटेगरी डिफरेंट है जो पावर मॉस्फेट्स हैं आपके पास यानी कि जो हाई पावर के चाहिए होते हैं उनकी नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होती है ऑन रेजिस्टेंस वो कम होती है और करंट और पावर की जो रेटिंग्स हैं वो हाई होती हैं हमारे पास और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का आपको आगाज़ वाले चैप्टर्स में बताया था कि टेम्परेचर के साथ उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है और भी है कि इनके अंदर जो चार्ज स्टोरेज है यानी कि इन डिवाइसेस के अंदर वो आपके पास जो है वो काफ़ी कम होता है और सारा जो फोकस है वो फास्ट स्विचिंग के ऊपर है अब ये जो सीमॉस की मैं बात कर रहा था इसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ कि बेसिकली जो नाम है ना क्योंकि सबसे पहले हमें किसी चीज़ के अगर नाम का आइडिया हो ना तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है और थोड़ी मोटिवेशन बनती है उसको पढ़ने की ना ये कॉम्प्लीमेंट्री मॉस्फेट अरेंजमेंट से तो कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने बताया कि खुद से यानी कि अपनी मर्जी से डिज़ाइनर जब कोई चीज़ बनाएगा और किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को इन्हेंस करने के लिए ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली दो मॉस्फेट्स जो हैं उनको कंबाइन आपने किया हुआ पी चैनल को और एन चैनल को यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसने एक पी चैनल मॉस्फेट बनाया हुआ और इसी तरह साथ में एन चैनल मॉस्फेट है उन दोनों को कंबाइन किया हुआ यानी कि इसमें गेट भी डबल है ड्रेन भी डबल है सोर्स भी डबल है अगर प्रैक्टिकली यहाँ पर मेंशन है आपके पास कि सी मॉस की जो लॉजिक डिज़ाइन है उनको अगर आप देखें तो रिलेटिवली जहाँ पर आपको हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए होती फास्ट स्विचिंग चाहिए और लोअर ऑपरेटिंग पावर लेवल्स चाहिए वहाँ पर आप सीमॉस को डिज़ाइन करें क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर इतनी को बहुत ज़्यादा हाई पावर की चीज़ें रिक्वायर नहीं होती ठीक है वहाँ पर स्विचिंग फास्ट जो है वो आपको ज़्यादा रिक्वायर है अच्छा एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस की गई है ये बेसिकली इसका जो इन्वर्टर वाला फीचर है ये सी मॉस इन्वर्टर का उसको एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो उसने सर्किट बनाया हुआ ये बेसिकली कैसे काम करें अच्छा इसको इन्वर्टर इस वजह से कह रहा है कि लट से अगर इनपुट पे 5 वोल्ट देता है ना 5 वोल्ट का मतलब होता है स्टेट ऑन यानी कि तो आपको रिजल्ट के तौर पे 0 वोल्ट मिलता है और अगर ये 0 वोल्ट सप्लाई देगा तो आपको रिजल्ट के तौर पे 5 वोल्ट मिलेगा तो उल्टा सिनेरियो जीरो को पता ना कि आप ऑफ स्टेट कंसिडर करते हैं और 5 को आप ऑन स्टेट कंसिडर करते हैं तो ये 5 वोल्ट अगर इसको देते हैं हम तो ये हमें 0 एज एन आउटपुट देता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये काम मतलब कैसे करता है हाँ जी 5 से 0 जो बनना है जो इन्वर्ट उसने करना है वो कैसे कर रहा है उसको भी वर्किंग को डिस्कस कर लेते तो ये दो मॉस्फेट हैं एक एन चैनल है एक ये पी है ऊपर वाला नीचे वाला एन है इसका जो सोर्स है वो ग्राउंडेड है ठीक है और इसका जो सोर्स है वो 5 वोल्ट के साथ अटैच है ये पी है ये एन चैनल है इसको Q1 कहा जा रहा है इसको Q2 कहा जा रहा है और ये आउटपुट अटैच है यानी कि अगर V0 को आप देखें तो ये ग्राउंड के साथ अटैच है ये ऐसे ही है जैसे आपने वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट पढ़ा था ठीक है कि दरमियान में आपके पास एक वोल्टेज आ रहा तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे होते थे
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू आर वन, आर वन बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस होगी, वो भी करते हैं डिस्कशन, ठीक है, आर वन और ये सप्लाई आपके पास डिवाइडेड बाय दोनों की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस। तो अब अगेन काम बताता हूँ, फिर ज़रा वर्किंग पे जाता हूँ कि इसको 5 वोल्ट देते हैं ज़ीरो दे देगा, ज़ीरो देते हैं तो 5 वोल्ट दे देगा। अब तो ये जो मैंने आपसे बात की थी इसको हमने आगे लेके चलना है कि फॉर द लॉजिक लेवल डिफाइंड अबव द एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट एट द इनपुट शुड रिजल्ट इन अप्रॉक्सिमेटली 0। इस चीज़ को हमने लेके चलना है कि 5 दे रहे हैं तो 0 दे रहे हैं, 0 देंगे तो 5 देगा। और यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो पी चैनल है, पी चैनल का जो सोर्स है वो ऊपर 5 वोल्ट VSS के साथ अटैच है, वो भी अभी मैंने आपको दिखाया था। और नीचे वाला जो MOSFET है उसका जो सोर्स है वो मैंने आपको दिखाया था कि वो ग्राउंडेड है। अब आप करके रहे हैं कि विद 5 वोल्ट एट सप्लाई, जब आप 5 वोल्ट इनपुट को दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो VGS1 जो है ये गेट टू सोर्स VGS पहले MOSFET की पहला पैन चैनल वाले को कह रहे हैं, तो वो जो आप 5 वोल्ट अगर इधर दे रहे हैं तो वही 5 वोल्ट आपको यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि VGS1 इज इक्वल टू V इनपुट एंड Q1 इज ऑन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एन चैनल MOSFET है, जब आप उसको VGS पॉजिटिव में देंगे, VGS प्लस में देंगे, एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा जब आपको VT से ग्रेटर देन जब VGS मिलेगा तब आपके पास वो MOSFET ऑन हो जाएगा। तो ये जब ऑन कंडीशन में आपको मिलेगा तो डेफिनेट सी बात है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगी, जिसको आप R1 कह रहे हैं। तो Q1 इज़ ऑन रिजल्टिंग इन रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस, ऑन है उसकी रेजिस्टेंस कम है, इस चीज़ की जो चैनल बनता है ड्रेन और सोर्स के दरमियान एज शोन इन फिगर 6.46। तो फिर इसी वजह से उसने कहा Q1 जो है वो ऑन है और इसकी रेजिस्टेंस लो है, तो ये लेबलिंग उसने की है इस MOSFET के बारे में। सिंस VI एंड VSS आर एट 5 वोल्ट, तो अगर आप देखें कि इसको 5 वोल्ट इनपुट मिली और VSS भी 5 पे है तो VGS क्या होगा, यानी कि VG माइनस VS, G और S का डिफरेंस, तो G भी 5 वोल्ट पे है और ये भी 5 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। तो जो 0 वोल्ट है वो VT की सेंस में VT से कम है, सर्टन थ्रेशहोल्ड से कम है आपके पास, तो VGS जब 0 है विच इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड VT ऑफ द डिवाइस। ये अभी पिछले टॉपिक में हमने एक दो दिन पहले पढ़ा है कि VT से अगर कम वोल्टेज आप देंगे तो वो चीज़ ऑन नहीं होती, तो होगा क्या कि रिजल्टिंग इन कुछ आपने वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, शायद 2 वोल्ट के करीब मैंशन था, तो हर किसी में तो 2 वोल्ट नहीं होता, लेकिन एनी हो बात करने का मकसद ये कि एक सर्टन VT उससे ज़्यादा, सो अगर आपका VT से लेस है तो चूँकि गेट के ऊपर जो आपने पल्स दी थी VGS गेट और सोर्स का डिफरेंस वो 0 था, थ्रेशहोल्ड से कम था, तो आपके पास ऑफ स्टेट होगी, ये चैनल ऑन नहीं होगा। तो जब ये ऑफ होगा तो इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, जब ऑफ होगा तो इसकी ड्रेन और सोर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर वर्किंग नहीं कर रहा तो डेफिनेट सी बात आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसकी आई है, यानी कि अगर करंट आपके पास नहीं फ्लो कर रहा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और इसी वजह से ऑफ यही चीज़ होती है हमारे पास। तो अब आपके पास आपको आइडिया हो चुका है कि ये अगर ऑफ है, इसकी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस अगर कम है और 5 वोल्ट सप्लाई है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो होगा। तो वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंगली ये जो वोल्टेज है वो R1
यानी कि पहले की रेजिस्टेंस इनटू सप्लाई, ये VSS 5 और R1 प्लस R2। तो आपको पता है कि अगर ये R1 बहुत कम है, वेरी लो है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, तो वोल्टेज जो ड्रॉप है V आउट वो भी आपके पास क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा। तो ये बेसिकली, फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑन था रेजिस्टेंस कम थी, ऑफ था रेजिस्टेंस हाई है, तो बेसिकली आप R1 के क्रॉस देख रहे हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंगली R1 इनटू सप्लाई। तो सप्लाई तो खैर 5 है या जो भी है, वो एक सेपरेट केस है। जब R1 बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, तो आंसर आपके पास जीरो ही आना है। तो ये 5 वोल्ट आपको जीरो वोल्ट दे रही। इसी तरह जब आप इसको ज़ीरो करेंगे, ठीक है, दूसरे लफ्जों में जब आप इसको ज़ीरो करेंगे तो ये आपको 5 वोल्ट दे रहा होगा, जो कि इससे रिवर्स इसका प्रोसेस है। वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप सप्लाई के ऊपर ज़ीरो वोल्ट दे रहे हैं, अब सप्लाई के ऊपर ज़ीरो है, इनके पहले 5 वाला सिनेरियो डिस्कस हो गया, तो VGS 1, जब सप्लाई ज़ीरो है तो VGS भी ज़ीरो है, और VGS अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड से कम होगी तो ये नहीं चल सकेगा, अब ये ऑफ है। इसकी तस्वीर नहीं बनी हुई, ये वैसे डिस्कस है, ठीक है, पिक्चर बस पहले की है। तो ये ऑफ हो जाएगा आपके पास, ये ज़ीरो है। इसके ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, और जो VSS है -5। अब ये आपके पास क्या सिनेरियो आ रहा है कि ये आपके पास 5 वोल्ट है और ये आपके पास 0 वोल्ट है, 0 -5 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा -5। जब आप 0 और 5 का डिफरेंस लेंगे VG -VS, तो आपके पास -5 आ रहा होगा। अब ये पी चैनल है, ये डेफिनेट से बात है, एन और पी की वर्किंग जो होती है ना वो उल्टी होती है। एन चैनल जो है वो पॉजिटिव VGS के लिए चलता है, एन जो चैनल है वो पॉजिटिव VGS के लिए चलता है, जो पी चैनल है वो उससे उल्टा है, वो नेगेटिव के लिए चलेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑफ रहेगा, ठीक है, और इसकी जो वर्किंग है वो ऑन हो जाएगी। जब आपके पास ये वाला जो है वो ऑन होगा, सॉरी ऑफ हो जाएगा, दूसरे केस में जब ये ऑफ होगा तो इसकी रेजिस्टेंस हाई है और इसकी रेजिस्टेंस लो है। फिर जब आप वोल्टेज डिवाइडर के क्रॉस काम कर रहे होंगे तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि ड्रॉप भी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर आपके पास जो आउटपुट का आंसर है वो भी आपके पास हाई आ रहा होगा, जो कि आपके पास जैसे लॉजिक है 5 वगैरह। और जब आपके पास पहले केस में जिसमें हमने डिस्कस किया है उसके अंदर आपके पास रेजिस्टेंस लो है, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तो आपके पास आंसर ज़ीरो के सेंस में आ रहा हो, ठीक है। और दूसरी सेंस में जब ये आपके पास ऑफ होगा, इसकी रेजिस्टेंस जब हाई होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट पे जो ड्रॉप है वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो हाई रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी आपके पास ज़्यादा होगा, तो उस सेंस में आपके पास 5 होगा। और जो सेंस यहाँ पे मेंशन है, जो यहाँ पे केस डिस्कस है इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली, आपके पास 0 होगा। तो खैर ये एक केस था यहाँ पर जो बुक के अंदर मेंशन किया हुआ था, एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एज सच यहाँ पर इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है, और जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर वो थोड़ा कमर्शियल पर्पज़ के अकॉर्डिंगली या रेटिंग्स के ऊपर वो वाली चीज़ें वो हमने थोड़ी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप कहीं कोई पढ़ रहे हो सी मॉस या वी मॉस, तो एटलीस्ट आपके जेहन में थोड़ी पिक्चर हो कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ये मॉसफिट का एक्सटेंडेड वर्जन है। और अगर स्टिल फर्दर उसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर उनकी कंस्ट्रक्शंस या उनकी जो वर्किंग है उसको भी देखा जा सके, ठीक है। तो ये जस्ट थे दो टॉपिक्स जो कि मॉसफिट की एप्लीकेशन वाइज थे हमारे पास। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा एंड हो जाएगा। इसमें हमने कोई चीज़ कोर्स वाइज स्किप नहीं की, ठीक है।
ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं की, ये बस इतना ही था जितना हमने डिस्कस किया। जी मैम, और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है कोई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर और अगेन बस लास्ट कमेंट के जो भी फिर अपग्रेडेशन होंगी पॉलिसी में या जो भी चेंजेस होंगी वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं उसको अपडेट करता रहूंगा आपके साथ। ठीक है, ओके सर। और ये एक इजाफी चीज़ है, ये एक इजाफी मोहब्बत है, वो मेरे पल्ले पे नहीं है आपने पढ़ना कि आप ये कह रहे थे या आप वो कह रहे थे, ये एक इजाफी चीज़ है जो कि मैं अपनी क्लास को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी फिर अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ओके सर, ओके जी।